जब बच्चा छोटा होता है तो उसे दूध पिलाने के लिए कटोरी या फिर चम्मच का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब शिशु धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है तो वैसे ही वैसे उसके दूध पीने के तरीकों में भी बदलाव किया जाता है। उसके लिए प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे शिशु आसानी से दूध पी सके। लेकिन आप शौक से अपने शिशु को प्लास्टिक का बोतल पकड़ा तो देते हैं, लेकिन आप इस बात से अनजान होते हैं कि आपके शिशु के लिए ये प्लास्टिक का बोतल कितना खतरनाक साबित होता है। अगर आप इस बात से अनजान हैं तो आज हम आपको इसके नुकसान के बारे में जानकारी देंगे। आपको बता दें कि प्लास्टिक की बोतल पर कीटाणु मौजूद होते हैं जो बोतल के जरिए शिशु के शरीर में सीधा अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे आपका शिशु गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। इसके अलावा जब आप प्लास्टिक की बोतल में गर्म दूध डालते हैं तो प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स दूध में आसानी से घुल जाते हैं और बच्चे की सेहत पर इसका बेहद नकारात्मक असर पड़ता है, जिससे आपके शिशु को अनेकों तरह की समस्याएं होनी शुरू हो जाती है, जैसे वजन कम होना, उल्टी होना, बुखार और कब्ज आदि की समस्याएं। इसके अलावा आपके शिशु के शरीर की इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जिसके कारण आपका शिशु किसी भी बीमारी की चपेट में आसानी से आ जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्लास्टिक की बोतल में पिसफेनोल नाम का एक केमिकल मौजूद होता है जो बेहद ही खतरनाक होता है, जिसका सीधा असर बच्चे के दिमाग पर पड़ता है और आपके बच्चे का मस्तिष्क काफी हद तक कमजोर हो जाता है। बेहतर होगा आप अपने बच्चे को प्लास्टिक की बोतल की बजाय कांच के बोतल में दूध का सेवन कराएं, जिससे आपके बच्चे पर इसका नकारात्मक असर ना पड़े। साथ ही इससे आपके शिशु की सेहत हेल्दी बनी रहे। साथ ही धूप में रखकर आप उस कांच के बोतल को गर्म भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा अगर आप प्लास्टिक की जगह अपने शिशु के लिए कांच के बोतल का इस्तेमाल करें। इससे आप उसकी सेहत बेहद ही हेल्दी बनी रहेगी। किरण हेल्थ डेस्क से रानी की रिपोर्ट।